Well, it's a stormy session right inside the parliament today, especially where the Land Ordinance Act is concerned. But right outside, the fight being carried out by Anna Hazare, not very far from parliament at Jantar Mantar. Activist Anna Hazare taking on the government for what he says is an extremely faulty act. कभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकाल कर किया है। इसका निषेध करने के लिए हम लोग कहा इकट्ठे हुए। अभी सरकार ये कह रही है हम वो अध्यादेश में संशोधन करेंगे। प्रश्न यह है कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी और आपकी सरकार विरोध में थी, दोनों ने मिलकर 2013 का जो कानून बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया था। अभी आपकी सरकार बहुमत से आ गई और अचानक से आपने यह अध्यादेश निकाला। क्या जरूरत थी? जब कानून बना था 2013 का कानून बना था, आपको भी वो मानना था, फिर आपने यह अध्यादेश निकालने की जरूरत क्या थी? प्रश्न है। अध्यादेश निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अध्यादेश को अगर देखा जाए तो किसानों पर अन्याय करके पूंजीपतियों की सुविधा करने के लिए ये अध्यादेश। पूंजीपति उद्योगपति आप और हम मिलकर इस देश का भविष्य बनाना है, आप तो अन्याय कर रहे हैं। हम लोग मिलकर देश का भविष्य बनाना है तो आप अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ये जो अध्यादेश है, अभी पलवल में कल किसान आ रहे, पडोल से जो पदयात्रा निकली है, 5-6 हजार किसान निकले हैं पलवल से, कल यहां पहुंचेंगे और भी लोग आ जाएंगे। कल का हमारा यहां का आंदोलन वो भी बड़ा होगा। अभी पलवल का आंदोलन देखा, किसानों की प्रतिक्रिया देखी, अभी सरकार कह रही है कि हम यह अध्यादेश में संशोधन करेंगे। अरे संशोधन क्या करना, कानून बना है ना, अभी संशोधन क्या करना, ये कानून अध्यादेश वापस ले लो, संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं, वापस ले लो उसको। ऐसा अन्याय करने वाला, किसानों पर अन्याय करने वाला अध्यादेश क्यों रखते हैं? ऐसे अध्यादेश देश में क्यों रखते हैं? तो हमारी विनती है सरकार को, ये अध्यादेश वापस ले लो और 2013 का जो कानून बना है उसमें और क्या बातें डाल सकते हैं उसको ऐड करो, और भी डालो। किसानों की भलाई की जो बातें हैं उस कानून में और डालो और भी अच्छा कानून बनाओ जो कि किसान कृषि प्रधान भारत देश में वो किसान का उज्जवल भविष्य बन सकता है। इन बातों के लिए हम सोचना है। अभी वो पदयात्रा आ रही है, यहां सब किसान संगठन बैठे हैं।
मेरी विनती है आपसे, सात किसान संगठन से मेरी विनती है, पलवल से एक पद यात्रा निकली है, अभी यहां से जाने के बाद पूरे देश में जिला स्तर पर, तालुका तहसील स्तर पर, अपने अपने राज्य में पदयात्रा शुरू करो, लोगों को जगाओ। अन्ना आप आगे बढ़ो। क्यों अन्ना तुम आगे बढ़ो, अभी हमारे साथ है, अभी भी हम तुम्हारे साथ हैं। अभी भी बहुत कम लोगों को ये अध्यादेश का जानकारी हुआ है।